इजराइल, रूस, जापान और फ्रांस जैसे देश भारत के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, लेकिन एक और भी देश है जिसने भारत के लिए जान छिड़कने वाला कदम उठाया है, जिसे सुनने के बाद आप भी उस देश को सलाम करेंगे। इस देश का नाम है मालदीव, जिसने ऐलान किया है कि अगर उसके देश में किसी भी व्यक्ति ने भारत विरोधी नारे लगाया तो उसको मिलेगी सजा और भारत के खिलाफ विरोधी नारे अपराध की श्रेणी में आएगा। दरअसल मालदीव के एक राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, जो चीन के समर्थक कहे जाते हैं, बिल्कुल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तरह। अब्दुल्ला यामीन ने चीन को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ जहरीले विरोधी नारे चलवाए इंडिया आउट के, और इसी अभियान को रोकने के लिए मालदीव सरकार इसे अवैध घोषित करेगी और इसे रोकने के लिए नया विधेयक लेकर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मालदीव ऐसा क्यों कर रहा है भारत के लिए, तो बता दे ऐसा करके मालदीव एक संतुलित विदेशी नीति को अपना रहा है जो बाकी देशों के साथ उसके संबंधों को मजबूत बनाने में असरदार सिद्ध होगा। मालदीव को पता है कि आज दुनिया में कोई भी फैसला, कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई बिना भारत के नहीं हो सकती है, और भारत ही वो देश है जिससे मालदीव का काफी अच्छा संबंध है। चलिए अब जानते हैं उस सजा के बारे में जिसे जानकर हर पाकिस्तानी और चीनी हुक्मरानों के सीने पर सांप लौट जाएंगे। दरअसल नए विधेयक में भारत विरोधी नारे लगाने वालों से 20,000 मालदीवियन रुपया का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही 6 माह की जेल या फिर 1 साल के लिए नजरबंद किया जा सकता है। तो वहीं मालदीव के पत्रकार अहमद अजान ने ट्वीट कर लिखा कि मालदीव सरकार ने इंडिया आउट नारे के प्रयोग को अपराध घोषित करने का फैसला किया है। सत्ताधारी पार्टी द्वारा तैयार किए गए विधेयक के मुताबिक इस अभियान में हिस्सा लेने वालों को 6 माह तक की जेल हो सकती है। अब ये भी जान लेते हैं कि चीन के समर्थक अब्दुल्ला यामीन क्यों चला रहे थे इंडिया आउट कैंपेन। दरअसल जेल से छूटने के बाद अब्दुल्ला यामीन के इंडिया आउट कैंपेन में और अधिक तेजी आई है। पूर्व राष्ट्रपति ने भारत पर देश की आंतरिक राजनीति में दखल देने और मालदीव की मौजूदा सरकार पर भारत के साथ मिलीभगत करने का इल्जाम लगाया है। इसके पीछे की एक और वजह है अब्दुल्ला यामीन ने भारत से अपने 2 हेलीकॉप्टरों और 1 डार्नियर एयरक्राफ्ट ले जाने को कहा था, जिसके बाद इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ा। मालदीव में सैन्य अधिकारी और एयरक्राफ्ट की तैनाती भारत द्वारा वहां खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए तैनात किए गए हैं। तो वहीं मालदीव की सरकार अपने यहाँ हो रहे भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से चिंतित है। मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में पहले ही ये कह दिया गया था कि भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और नफरत को लेकर मालदीव सरकार चिंतित है। भारत हमारा सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार है, लेकिन कुछ समूह और नेता संबंधों को खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बता दें कि इस बीच मालदीव में चीन की भी दिलचस्पी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।